शाम के 5 बज रहे और सनसेट हो रहा है, तो मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि कब आएंगी, क्या कब आएंगी नंबर प्लेट। यार फाइनली आ गई। तो हेलो गाइस, आज है रविवार और रविवार को इनमें व्लॉग डालता हूँ, तो आज 9 बजे वीडियो आ जाएगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, दूसरा व्लॉग मैंने स्टार्ट भी कर दिया। ओके, तो देख लिया होगा आपने व्लॉग को, नहीं दूसरा व्लॉग है, मैंने दूसरा स्टार्ट किया। ओके, तो हाय गाइस, दिस अरुण, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह का समय है और करकटी बरकटी धूप है, ये धूप कहाँ ठंडी लग रही है मुझे, और क्या कर सकते हैं। अभी हम फ्रेश होने वाले हैं, फिर कुछ हम बताएंगे आपको क्या चीज़ मेरे पास आई है। तो गैस 8:33 हो रही है और अभी 9 बजेगा जैसे, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही। वीडियो का अपलोड हो चुका है, पब्लिश करना बाकी है। तो इसकी बाकी तो बस दूसरा वीडियो में अपलोडिंग कर रहा हूँ अभी, थंबनेल लग चुका है, तो हो जाएगा सब कुछ, तो टैग बॉक्स आ गया चाहिए, तो अभी एंजॉय। ओके, तो मैं पब्लिश कर देता हूँ वीडियो जल्दी जल्दी, हो गया। तो और गाइस, अभी हम जा रहे हैं फोटो शूट के ऊपर, और अभी जैसे मेरे कुरियर भी आने वाला, वो भी 1-2 बजे आ जाएगा, उसको मैं पिकअप भी करूँगा, वो क्या है आपको पता चल जाएगा। ओके, तो वो भी गोप्रो माउंट मैंने कर लिया अपने हेलमेट के ऊपर, बाइक भी हमारी हो चुकी है रेडी, तो चलते हैं। ओके, तो ऑल राइट गाइस, अभी जस्ट हम निकल पड़े हैं, एक लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ पे फोटो शूट अच्छा हो पाए। ओके, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ मैं, पर जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको बताऊँगा कैसा लग रहा हूँ। ओके, निकलते हैं। और हमारे साथ चल रहा है, क्या है नाम, नाम क्या है तेरा? जयराम फोटोग्राफर, इंस्टाग्राम पे हैंडल होगा, जाके फॉलो दिस इंस्टाग्राम में। ओके, तो अभी जस्ट लोकेशन ऐसा है कि लोकेशन हमको नहीं पता है कहाँ पे जा रहे हैं, पर देखते हैं जो भी अच्छी लोकेशन लगी फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पिक मिलेगी हमारी सारी। और यहाँ पे चल रहा है मैच, तो निकलते हैं। और ये फर्स्ट बार के टी एम पर बैठा, कैसा लगा के टी एम पर बैठ के, कैसा लगा फर्स्ट बार बोलना कैसा लगा के टी एम पर बैठ के फर्स्ट बार तो कैसे अभी कैसे कहाँ पे जाए हम? तो हम मुझे पता है टप टक, तो मुझे पता है टप टक, तो वहाँ पे अच्छा लोकेशन होगा, तो वहाँ पे चलते हैं। ओके, तो वाला कैसे यहाँ से हम राउंड लेंगे, तो आप कैमरा में भी देख पा रहे होंगे सब कुछ, तो राउंड लेंगे, लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेफ्ट है राइट लेफ्ट, तो कुछ नज़ारा मिलेगा नहीं आपको देखने वाला, तो जब आगे यार क्या था, अरे पोपट वाले यहाँ पे आ गए देखो, वो चल गया, तो चलते हैं आगे। और आज मैंने नया चीज़ लिया है, ओके अमेज़न से ऑर्डर किया था, कैसा लग रहा है बताना कमेंट के अंदर। और यहाँ पे फोटो खींचेंगे हम। ओके,
ओके गाइस, ऑल राइट गाइस, अभी अभी ऐसा सीन हो रहा है कि फोटो शूट हो गया डन, और अभी कितना बज रहे होंगे, कितना बज रहा है, तो अभी जस्ट एक बज रहा होगा, तो खाना बनने का समय मैं खा के नहीं आया हूँ, वो तो खा के आया है पर मैं नहीं खा के, और यहाँ पे क्या सेटिंग हो चुका है, ब्लू ब्लू हो चुका है, अभी उसको पूछना पड़ेगा ब्लू कैसा हो गया। ओके तो ऑल राइट गाइस, अभी निकलते हैं, एक दो घंटे हो चुके होंगे हमको आते हुए यहाँ पे, तो निकलते हैं। और मेरा सर टकराया पीछे के फोटोग्राफर के साथ, तो गाइस अभी जा रहे हैं हम घर पे, और लंच बंच होगा, खाना बाना होने के बाद आपके साथ सीधा बात करूंगा। ओके ओके तो ऑल राइट गाइस, डन हियर, और ये रहा कुरियर आ चुका है थे, ये कुछ इस तरीके से पार्सल हुआ है, अभी क्या है वो तो आप लोग को पता ही है, तो खोलते हैं फटाफट से और देखते हो। और भाई साहब यहाँ पे ऑल राइट गाइस, ये रही मेरी कुरियर हुआ जो पार्सल अभी जस्ट आया है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीन ऐसा है कि स्टोरी सारी बढ़ रहा हूँ पहले, तो सीन ऐसा है कि नंबर प्लेट है हमारी बाइक की, और हम नंबर पे 7 महीने के बाद लगा रहे हैं। रीज़न ऐसा है कि हम जा नहीं पाए शोरूम के ऊपर, और 7 महीने के बाद सर्विस भी नहीं हुए बाइक की, शोरूम पे इसीलिए नहीं जा पा रहे कि वडोदरा है, वडोदरा बहुत दूर होता है, मतलब पता ही होगा जो लोग यहाँ से हो और गांव से हो, तो वडोदरा बहुत दूर होता है, तो हम नहीं जा पाए इसी चक्कर के अंदर, सारा काम वाम के अंदर इस चक्कर के अंदर हम नहीं जा पाए। तो उसने बोला कि नंबर पर आपके मैं कुरियर कर देता हूँ, तो आप अपने जगह पे जहाँ भी हो वहाँ पे सेंटर हो तो वहाँ पे जाके इस नंबर पर कॉल लगा देना। ओके तो उसने बोला, हमने बोला ओके भेज दो नंबर पर कुरियर के अंदर भेज दो, तो फाइनली ये नंबर पर मेरे पास कुरियर हुई है अमेजोन जैसा। यार ऐसा पहली बार किसी बाइक के द्वारा हो रहा है कि एक नंबर पर कुरियर हो रही है शोरूम से, यार 7 महीने के बाद होगी बहुत देख। और ऐसी इसकी क्वालिटी बताओ तो ये रही नंबर प्लेट मेरी, इसकी क्वालिटी दिखाओ तो बहुत घटिया क्वालिटी है। ये नंबर प्लेट में लगाने जाने वाला हूँ अंकलेश्वर, अंकलेश्वर एक शोरूम है KTM Duke 390 का, तो वहाँ जाके हम सर्विस भी करा देंगे और बाइक के नंबर प्लेट भी डाल देंगे। ओके तो गाइस कुछ लगाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से कुछ नंबर प्लेट रहेंगे, इस तरीके से आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से नंबर प्लेट रहेंगे हमारी आगे की, तो मुझे लगता है कि आगे का बहुत खतरनाक सीन यहाँ पे लगेगी। यार मेरे इमेज पे स्टैंड देखा था कि यहाँ से यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाती है, और यहाँ पे अच्छी नहीं लगती मुझे, यहाँ पे लगाऊंगा, तो स्टैंड भी ऑर्डर कर लिया है, वो भी आ जाएगा, और रेडिएटर भी आ जाएगा बहुत जल्दी। ओके तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के लिए। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।